है और इन दिनों में उनका हो गया कि नहीं? उस पे अल्हम्दुलिल्लाह अभी अभी जारी है, तो हो चुका है मदर के साथ होगी। तो मैं विदा के साथ से गुजारिश करता हूँ कि वो आज के दिन का आगाज सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह। بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. प्यारे भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली मजलिस में ये मौजू चल रहा था कि किस किस्म के मालों में ज़कात वाजिब है। उनमें से दो तीन का बयान हुआ था, जैसे सोना है, चांदी है, माल तिजारत है, और कुछ चीज़ें हैं जिनका ज़िक्र रह चुका था। आज पहली चीज़ जिसका ज़िक्र होता है वो हैं जानवर और मवेशी। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जिन चीज़ों में ज़कात फ़र्द की है उनमें मवेशी और जानवर भी हैं। उसकी दलील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है जो सही बुखारी वगैरह में हज़रत बुज़र रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा मिन साहिब इबलिन वला बकरिन वला गनमिन ला युअद्दी ज़कातहा इल्ला जाअत यौमल क़ियामति अअज़मा मा कानत व असमनहु तंतहुहु बिक़ुरूनिहा व तटअहु बिअज़लाफिहा। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, जो भी ऊँट वाला है, गाय वाला है या बकरी वाला है, वो अपने इन जानवरों की ज़कात नहीं देता तो अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से पहले ही हश्र के मैदान में उन्हें इस हाल में लाएगा कि वो जितने तंदुरुस्त हो सकती हैं, जितने मोटे हो सकते हैं वो जानवर, और वो जानवर इस अपने मालिक को अपने सींगों से मारेंगे और अपने पैरों से रौंदेंगे। तो इसका मतलब यह है, यह हदीस सरीह इस बारे में है कि कुछ ऐसे जानवर हैं जिनके ऊपर ज़कात वाजिब है। वो जानवर उलमा कहते हैं हदीस की रोशनी में वो तीन किस्म के हैं, ऊँट हैं, नरमादा गाय नरमादा और बकरी नरमादा, ये तीनों में हैं जिनके ऊपर ज़कात शरअन और हदीस में नस्सन ये चीज़ वाजिब है। मिसाल के तौर पर ऊँट है, उससे मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हज़रत अबू सईद खुदरी से है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैस दूना खम्स ज़ौदिन सदक़ा, पांच ऊंट से कम है तो उसमें सदका नहीं है। इसका माना क्या है? अगर किसी के पास पांच या उससे ज्यादा हो जाए तो उसकी सदका और उसकी जकात देनी है। इससे मालूम यह हुआ कि ऊंट में जकात भी है, और यह भी मालूम हुआ कि ऊंट की जकात का जो निसाब है वो क्या है, वो पांच ऊंट है। फर्क यह है कि पांच, दस, बीस, चौबीस तक तो इस पर बकरियां आए, यानी हर पांच के ऊपर एक बकरी,
और जब ये 24 से ऊपर चला गया तो फिर उसके ऊपर बिनते उसके ऊपर जो आता है बिनते मखाद, बिनते लबून और ये चीज़ें जो है वो यानी मादा ऊँटनी वो उसके ऊपर आना शुरू हो जाता है। जो उसकी तफसील में जब जाना मुनासिब नहीं है इसलिए कि वक्त उसके लिए काफ़ी नहीं है। दूसरी चीज़ यह है गाय है, ये नर है या मादा है, इसके ऊपर भी ज़कात है, अलबत्ता उसकी ज़कात क्या है वो 30 गाय हैं। अगर 30 गाय किसी के पास है तो उसके ऊपर ज़कात है, तभी 1 साला बच्चा, और अगर उससे कम है तो उसके ऊपर ज़कात नहीं है। इसी तरीके से बकरियां हैं नर या मादा, इनके ऊपर भी ज़कात है, लेकिन उनकी उनका निसाब क्या है, उनका निसाब यह है कि अगर वो 40 बकरियां पहुंच जाएं किसी के पास तो उसके ऊपर ज़कात है, और अगर 40 बकरियां नहीं पहुंचती हैं तो उससे नीचे हैं तो उसके ऊपर ज़कात नहीं है। फिर उसके बाद हमने पिछली मजलिस में ये भी बताया था कि 40 जो है ये असल होनी चाहिए, उसके बाद 120 तक कोई ज़कात नहीं है, यानी एक ही बकरी है, उसके बाद जहां 120 से ऊपर गई वहां पर 2 बकरी हो जाएगी और 200 तक चलेगी, वो उसका अलग निसाब है। लेकिन जहाँ तक बताना यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन जानवरों पर ज़कात फ़र्द की है वो ये 3 किस्म के हैं, लेकिन इनकी ज़कात की फ़र्द इनमें ज़कात की फ़र्दियत के लिए 4 शर्तें हैं जो हदीस से साबित हैं। पहली शर्त ये है कि ये जो जानवर हैं ये चर चुग करके अपना पेट भरने वाले हों, यानी ऐसा नहीं है कि मालिक मकान को इनकी खुराक या इनकी पूरी खुराक देनी पड़ती है खरीद करके, या गल्ला वो चारा को उगा करके फिर उन्हें काट करके देना है, ऐसा नहीं है। बल्कि पहली शर्त यह है कि वो मैदान में चरागाह में रहते हैं, चराने की ज़रूरत पड़ती है इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अपना इस तरीके से वो पेट भरते हैं। दूसरी शर्त यह है कि वो निसाब को पहुँचें, और हर एक का निसाब जैसा कि हमने कहा ऊँट का निसाब कम से कम 5 है, गाय का निसाब या बैल का निसाब 30 है और बकरी का निसाब 40 है, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस सिलसिले में वादे है, जैसे ऊँट के बारे में हदीस गुजर चुकी है, और इसके बारे में बकरियों के बारे में फी कुल साइमतिन हर चरने वाली जो बकरी हो तो फी कुल अरबईन जो 40 है उसके ऊपर क्या है वो सदका है। तो गोया की बकरी ये गाय है या बकरियां हैं हर एक को अपने निसाब को पहुंचना चाहिए। दूसरी चीज़ यह है कि वो नस्ल और दूध के लिए हो, काम या तिजारत के लिए ना हो, फ़र्क समझें। वो किस लिए हैं, नस्ल के तौर पर अपना रखा है और उसमें से जो होता है बेच भी देता है, यानी मिसाल के तौर पर कोई शख्स चाहता है कि हमारे पास 100 ही बकरियां रहें, 50 ही रहें, अब उस पर ज़्यादा जो होती हैं तो उसको वो बेच देता है, तो ये नहीं है। असल ये है कि पूरी बकरियां ही इंसान तिजारत के लिए, जैसे ताजिर लोग रहा करते हैं वो ऊँट या गाय या बकरियाँ रहते हैं, तो ये बकरियाँ तिजारत के लिए ना हो। इसी तरीके से ये ऊँट हैं या बैल वगैरह हैं ये खेतों वगैरह में काम करने के लिए ना हो, लादने के लिए, या वो एक शख्स हो उसके पास बहुत ज़्यादा खेत है, उसने क्या किया है कि अपने जो है 30, 40, 50 बैल रखे हैं, या कुछ बैल भी हैं और कुछ गायें भी हैं दूध के लिए हैं घर में, तो इसके ऊपर ये हुक्म नहीं आएगा, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है लैसा फिल अवामिली सदका। अवामिल आमिला कहते हैं उस जानवर को जो खेत वगैरह की खास जुताई के लिए है, या सिंचाई उमूमन सिंचाई के लिए जो होता है उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो जो जानवर इंसान के काम के लिए है या तिजारत के लिए रखा है उसका ये हुक्म नहीं होगा, अलबत्ता तिजारत के लिए है तो उसका हुक्म माले तिजारत का होगा। और चौथी शर्त हदीस से ये पता चलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है लैसा फी मालिन ज़कातुन हत्ता यहूल अलैहिल हौल, किसी भी माल में ज़कात नहीं है यहाँ तक कि उसके ऊपर साल गुजर जाए। तो इसका मतलब यह है कि जानवरों की ज़कात के लिए ये 4 शर्तें हैं। अब आगे चलते हैं, जिन चीज़ों में अल्लाह तबारक ज़कात को वाजिब करार दिया है उसमें गल्ला भी है,
उसके वजूब की ज़कात कुरान मजीद में भी मौजूद है और हदीस नबविया के अंदर भी है। चुनांचे अल्लाह तबारक व ताला ने बड़े वाज़ह तौर पर फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीन आमनु अन्फिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्द, ऐ ईमान वालो खर्च करो, मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, वो पाक रोजी जो तुम कमाए हो। इससे उलमा ने तिजारत वगैरह माले तिजारत ज़कात पर भी इस्तिदलाल किया, जैसा कि पिछली मजलिस में गुजर चुका है। व मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्द, और उससे भी तुम ज़कात दो, सदका करो जो हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से निकाला है, यानी ज़मीन से जो गल्ला उग रहा है उसके ऊपर भी ज़कात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही बुखारी वगैरह में हज़रत अबू सईद खुदरी की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैस फीमा दून खम्स औसुकिन सदका, पांच वसक से अगर कम गल्ला है, पांच वसक से अगर किसी के पास कम गल्ला पैदा होता है तो उसके ऊपर सदका नहीं है, उसके ऊपर सदका नहीं है। तो मालूम यह हुआ कि गल्ला जो इंसान उगाता है अल्लाह के फजल से जो पैदा होता है उस पर उसे उसमें से उसे ज़कात देनी है। लेकिन अब एक सवाल है कि किस किस्म के गल्ले पर ज़कात है, ये उलमा के नज़दीक मुख्तलफ ही है। बाद उलमा तो हर वो चीज़ जो ज़मीन से उगती है उसमें ज़कात के कायल है, जैसे कि अहनाफ का है, और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शेखुल हदीस उबैदुल्ला रहमानी रहमहुल्ला का भी यही मसलक है, और उन्होंने अपने फतावा में इस चीज़ को बड़ी तफसील के साथ रखा है, और उनके दलाइल की अपनी एक जगह कुव्वत भी है, अपनी एक जगह कुव्वत भी है, कुरान मजीद से भी और हदीस से भी उन्होंने इस्तिदलाल किया है। तो अला कुल्ले हाल बाद उल्मा के नज़दीक हर किस्म के ज़कात गल्ले में ज़कात है, और बाद उल्मा के नज़दीक ज़कात के शर्त होने वाजिब होने के लिए पहली शर्त यह है कि जिन चीज़ों में हदीस के अंदर वारिद है कि इसमें ज़कात है, जैसे खजूर वगैरह, जौ वगैरह, या जबीब, या यानी जो मुनक्का होता है अंगूर का, ये। और दूसरी चीज़ वो कहते हैं कुल्लमा युकालो वयुद्दखर, हर वो चीज़ जो नापी तौली जाती है। इसी से उल्म बाद इमाम खत्ताबी वगैरह ने इस्तिदलाल किया है कि सब्ज़ी में ज़कात नहीं, लेकिन सब्ज़ी नापी नहीं जाती है। अला कुल्ले हाल ये उन लोगों का कौल है जो कहते हैं कि हर ज़मीन हर पैदावार के अंदर ज़कात नहीं है, तो वो लोग कहते हैं, और यही जमहूर का मसलक है, और शायद दलील के लिहाज से यही ज़्यादा कवी भी हो, यही ज़्यादा कवी भी हो, इसलिए कि वो चीज़ जो सब्ज़ी के हुक्म में आती है, जैसे आलू है, प्याज है, इसका इंसान के लिए साल भर अपने खर्च के लिए रखना भी मुश्किल होता है, इसलिए उसके ऊपर ज़कात भी नहीं होनी चाहिए। अलबत्ता अगर कोई शख्स उसे तिजारत के लिए लेता है, ख़रीदता है, या तिजारत के लिए उसने उसकी ज़राअत की है तो उसका मसला अलग है, लेकिन इंसान आम तौर पर जो अपने खर्च के लिए या आम तौर पर उसके पास खेत है, सिर्फ तिजारत ही के लिए नहीं, उसको लगाया है, उसमें से बेचता भी है और खाता भी है, तो ऐसी चीज़ जो इंसान बगैर किसी खारजी वसाइल के साल भर हिफ्ज करके नहीं रख सकता है, उसके ऊपर ज़कात नहीं होनी चाहिए। अला कुल्ले हाल जैसा कि हमने कहा इसमें इख्तिलाफ कवी है और उलमा का इसमें सख्त इख्तिलाफ पाया जाता है। अब जिसका दिल जिसके ऊपर मुतमईन हो वो उसके ऊपर कर ले। मैं तालिबे इल्म तुल्लाबे इल्म जो हैं उनसे कहूँगा कि शेखुल हदीस मुबारक पुरी रहमहुल्लाह की तहरीर बड़ी बेहतरीन है फतावा के अंदर, फतावा शेखुल हदीस के अंदर, उसको पढ़ लें। तो अला कुल्ले हाल जो लोग कहते हैं कि हर गल्ले में ज़कात नहीं है, वो शर्त लगाते हैं कि ऐसा गल्ला, शर्त यह है कि वो जमा किया जाता हो और नाप और तौल करके बेचा जाता हो, जैसे जौ है, गेहूं है, खजूर है, किशमिश है। इसी पर बहुत से उलमा ने कियास किया है ऊख को भी, इसलिए कि जिस तरीके से खजूर रुतब की शक्ल में महफूज नहीं रखी जाती है आम खजूर की शक्ल में, जिस तरीके से अंगूर है वो अंगूर उस शक्ल में नहीं बल्कि किशमिश की शक्ल में हिफाजत करके रखा जाता है, इसी तरीके से गन्ना जो है वो गन्ने की शक्ल में नहीं अलबत्ता गुड़ और राब की शक्ल में उसे रखा जाता है, लिहाजा उसके ऊपर ज़कात होनी चाहिए। वल्लाहु आलम। तो अला कुल्ले हाल
हर उस गल्ले में ज़कात है, जैसा कि हमने कहा कि जो गल्ला जमा किया जाता हो और उसे नापा और तौला जाता हो और इंसान की ग़िज़ा बनती है, वो इंसान की ग़िज़ा बनती है। इसके लिए दूसरी शर्त यह है कि वो निसाब को पहुंचे, वो निसाब को पहुंचे, और ये निसाब हदीस के अंदर वारिद है कि 5 वसक हो। कितना है? 5 वसक। एक वसक होता है 60 सा का, एक वसक होता है 60 सा का, और एक सा इस सिलसिले में उलमा के अंदर शदीद इख्तिलाफ पाया जा रहा है। कुछ लोग 6 2 किलो से कुछ ऊपर बताते हैं, जैसा कि शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह वगैरह का कौल है, और कुछ लोग तो उसे 2.5 से भी ऊपर कह जाते हैं, एहतियातन वो 3 मानते हैं, जैसा कि शेख इब्न बाज वगैरह का कौल है। लेकिन अगर एक दरमियानी राह इख्तियार की जाए कि 2.5 किलो मान लिया जाए, तो शायद ये एहतियात के लिहाज से बेहतर हो। तो गोया कि अगर किसी के पास 5 वसक कोई गल्ला जौ की शक्ल में है, खजूर की शक्ल में है, किशमिश की शक्ल में है, या वो गेहूं चावल वगैरह की शक्ल में है, अगर इतना गल्ला उसके ऊपर पास पैदा हो रहा है कि 5 वसक है, जिसका हिसाब जो है कम से कम 612 किलो लगाया गया है, या बाद उलमा ने उसे 675 किलोग्राम बताया है। हमारे यहाँ पुराने ज़माने से हम सुनते आ रहे हैं कि हमारे उलमा ने तकरीबन 20 मन का हिसाब लगाया है। 20 मन अगर किसी के पास हुआ है तो, लेकिन आजकल के लिहाज से वो एहतियात किया है कि अगर किसी के पास 6 क्विंटल से ज़्यादा गेहूं पैदा हो रहा है या चावल। लेकिन यहाँ पर यह भी बात सामने रहनी चाहिए कि एक किस्म के एक गल्ला उसकी मुख्तलिफ जो नौए होती है उसको एक माना जाएगा, लेकिन हर गल्ले को मिलाया नहीं। जैसे जो अलग माना जाएगा, गेहूं अलग माना जाएगा, खजूर अलग रहेगी और किशमिश अलग रहेगी। अलबत्ता गेहूं की जो क्वालिटी है, खजूर की जो क्वालिटी है, अंगूर किशमिश की जो क्वालिटी है, उनको एक साथ मिलाया जाएगा और औसत दर्जे की जो चीज़ होगी उसी से निकाला जाएगा। न आला दर्जे का गेहूं दिया जाएगा और न ही घटिया दर्जे का गेहूं दिया जाएगा, औसत दर्जे का जो गेहूं होगा उसी से ज़कात दी जाएगी। अब तीसरी बात गल्ले की ज़कात के सिलसिले में यह है कि आखिर इसमें कितना दिया जाएगा। ये तो मालूम हो गया कि इस चीज़ से दिया जाएगा, ये मालूम हो गया कितना हो तब दिया जाएगा, लेकिन किस मकदार में दिया जाएगा इसके लिए भी हदीस के अंदर सराहत वारिद है। ये 3 किस्में उलमा ने की हैं हदीस में, हालांकि 2 ही किस्म वारिद है, लेकिन उलमा ने 3 किस्में की है हदीस के अंदर। जैसा कि सही बुखारी में हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर की रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फीमा सकत السماء والعيون او كان عثريا العشر وما سقي بالنضح فنصف العشر कमाकाल अलैहि सलातु वस्सलाम, यानी जो जमीन, जो गल्ला वारानी है, या किसी चश्मे के पास किसी की जमीन है और चश्मे से पानी बह करके उसको सैराब कर रहा है, तो ऐसी सूरत में उश्र देना पड़ेगा, यानी 10 में से 1, 100 में 10% गोया की देना है। और अगर ऐसी जमीन है जैसा कि आज आम तौर पर लोगों के पास है कि उसके लिए सिंचाई करनी पड़ती है, सिंचाई के लिए पैसा देना पड़ता है, और उसके ऊपर खाद वगैरह और दूसरी चीज़ों के बहुत से खर्च हुआ करते हैं, बहुत मजदूरी का खर्च आया करता है, तो अला कुल हाल ऐसी सूरत में उसमें निस्फ उश्र देना है। निस्फ उश्र यानी गोया 20 में 1, पहले 10 में 1 था, 20 में 1 देना होगा, यानी गोया 100 में 5% देना है। अब अगर उलमा ने, फुकहा ने यहां पर एक सूरत और रखी है कि ना ही वो बिल्कुल बारानी है और ना ही उसे मुकम्मल उसकी सिंचाई करनी पड़ती है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? तो ऐसी सूरत में उन लोगों ने दरमियान की राह निकाली है, यानी 7.5%। यहां पर एक बात और रह गई कि आखिर उसकी ज़कात दी कब जाएगी, यानी गल्ले की ज़कात दी कब जाएगी।
चांदी की जकात है उसके ऊपर साल पूरा होना है, जानवर की जकात है साल पूरा होना है, लेकिन यहां साल पूरा होना नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है वआतु हक्कहु यौमा हसादी, उसी दिन जकात दो जिस दिन उसे तुम काट रहे हो। यानी इंसान खलियान में ले आए, अब खलियान से जब घर ले जाना चाहता है तो पहले जकात को अलग कर दे, फिर उसके बाद अपनी मिल्कियत में ले जाए और रखे, तो गोया कि इस गल्ले के ऊपर साल गुजरने का इंतजार नहीं करना है। जिस दिन जो है वो साल, जिस दिन वो उसकी सफाई हो जाए और कटाई हो जाए, उस दिन उसकी जकात अदा की जाएगी। अब यहां पर ज़िमनन एक बात और मैं जिक्र कर दूं, उमूमन हुआ करता है कि जमीन की जकात, बहुत से सवाल हुआ करते हैं कि आया जमीन के ऊपर जकात है कि नहीं। तो देखिए एक असल मसला है, असल मसला यह है कि खालिस जमीन के ऊपर जकात नहीं है, खालिस जमीन के ऊपर जकात नहीं है, ना ही हदीस में ऐसी कुछ वारिद है कि जमीन के ऊपर जकात दी जाए। अलबत्ता चूंकि आजकल जमीन का इस्तेमाल जो हो रहा है वो मुतअद्दिद तरीके से हो रहा है, लिहाजा उसकी कुछ तफसीर उलमा ने रखी है। मिसाल के तौर पर पहली चीज है, अगर इंसान जमीन ले करके रखा है या उसे जमीन वरासत में मिली या किसी ने उसे कोई जमीन छोटी या बड़ी वरसा में हदिया में दे दी, अब उस जमीन को वो तिजारत की नीयत से छोड़ दिया है, इंतजार कर रहा है कि अच्छा पैसा आए तो दे देंगे, या ये कहता अभी हमें पैसे की जरूरत नहीं है, हम ऐसा करते हैं कि रखते हैं जब इसका रेट दो साल तीन साल चार साल के बाद बढ़ जाएगा तो हम उसे बेच करके उसके पैसा अपने काम में लाएंगे, तो ऐसी जमीन के ऊपर जकात है। क्यों? इसलिए कि गोया वो अब सिर्फ जमीन नहीं है बल्कि माले तिजारत के हुक्म में है। दूसरी जमीन ये है कि उसे किराए पर लेकर के छोड़ रखा है, चाहे उस जमीन से किराया ले रहा है जैसा कि बहुत से जमीनें हुआ करती है, या उस जमीन के ऊपर मकान बनाया है और उसको किराए पर दे रहा है, कैसी भी सूरत है, तो ऐसी सूरत में इस किराए पर जकात होगा, उस जमीन के ऊपर जकात नहीं है। इसलिए कि इसकी मिसाल जो होगी वो इंसान जो कारोबार करता है या इंसान जो सन्नाई का काम करता है उसमें इस्तेमाल होने वाले आले की तरह से। तीसरी सूरत, उसे मकान बनाने या दुकान बनाने या अपने बच्चों के लिए खरीद करके छोड़ रखा है कि बच्चे हैं अपना बड़े हो जाएंगे तो इस पर अपनी मकान बना अपना मकान बनाएंगे, दुकान बनाएंगे या जो उसको करना चाहेंगे करेंगे, तो ऐसे के ऊपर भी जकात नहीं है, ऐसे पर भी जकात नहीं है। अलबत्ता वो जमीन जो जराई है तो उसका हुक्म आ चुका है कि उसके गल्ले के ऊपर जकात है। लेकिन यहां पर एक नुक्ता ध्यान में रखना चाहिए, अगर किसी शख्स के पास बैंक में पैसा रखा है या किसी को एक बारगी कुछ पैसे हासिल हो गए, वो सोचता है कि ये पैसे अगर हमारे पास रहे तो खर्चे हो जाएंगे, कम से कम किसी ने कर्ज मांग लिया तो देना पड़ेगा और पता नहीं वो साहब कब वापस करते हैं, यानी एक सोच होती है लोगों की, और अगर बैंक में रखते हैं तो हमारा क्या फायदा इसे पड़ा रहेगा, तो ऐसा करते हैं कि कोई जमीन लेकर के छोड़ देते हैं। तो हक यह है कि इस जमीन के ऊपर जकात होनी चाहिए, क्यों? इसलिए कि यहां उसका मकसद जो है अपने पैसे की हिफाजत है, गोया बढ़ाना है। अब वो कहेगा मेरे पास पैसे नहीं, मैं किसकी जकात दूं? नहीं, गोया अब उस जमीन की उसको जकात देनी होगी और हर साल उसकी जो मौजूदा कीमत होगी उसके हिसाब से जकात देनी होगी। एक और चीज है जिसके ऊपर जकात है, उसे भी समझना चाहिए, वो नकदी या नोट या करेंसी है। जमहूर उलमा, बल्कि जमहूर कबीर उलमा, बाद कुछ लोग हैं इन्होंने इससे अपना अलग रास्ता इख्तियार किया है कि नोट के ऊपर जकात नहीं है, हालांकि वो बात सही नहीं है। इस वक्त नोट की जो अहमियत है, बसाओकात चांदी और सोने की अहमियत भी लोगों के पास नहीं रहती, जो नोटों की अहमियत लोगों के पास है।
قدیم زمانے میں جو کام سونے اور چاندی سے لیا جاتا تھا بے نہیں بغیر کسی اختلاف کے آج وہی کام تبادل کے طور پر کرنسی سے لیا جا رہا ہے۔ لہذا جمہور علماء جو آج کہہ رہے ہیں کہ سونے یہ نوٹ جو ہے کرنسی جو کاغذ کی ہے اس کے اوپر زکات ہے تو یہ حق ہے اور ہونی چاہیے اس کے اوپر زکات۔ آج لوگوں کا زیادہ تر جو مال ہے یا زیادہ لوگوں کا جو مال ہے وہ سونے کی شکل میں نہیں ہے، وہ چاندی کی شکل میں نہیں ہے، وہ کس شکل میں ہے؟ وہ نوٹوں اور کرنسی کی شکل میں ہے۔ اس لیے اگر اس پر زکات نہیں تو گویا کسی چیز پر زکات نہیں ہونی چاہیے، تو اصل یہ ہے کہ اس کے اوپر زکات ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ آخر پھر اس کا نصاب کیا ہوگا، اس کا نصاب کیا ہوگا؟ اس کے نصاب کے سلسلے میں اہل علم کی دو رائے ہے۔ قدیم زمانے سے تو ایک رائے رہی ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں میں سے سونے اور چاندی میں سے اگر کسی کے نصاب کسی نصاب کو وہ نوٹ پہنچ جاتے ہیں یعنی اس سے اتنی مقدار خریدی جا سکتی ہے چاہے کم جو بھی ہو، کم سونا ہوتا ہے یا کم چاندی، یعنی کم جس کا نصاب ہوگا اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس 10,000 روپے ہوئے، مثال مان لیجئے۔ اب اس سے آج کل 10,000 تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، بلکہ ایک مزدور 10,000 سے زیادہ کما لیتا ہے، لیکن ایک مثال میں دے رہا ہوں۔ اب وہ دیکھیں کہ آیا اس 10,000 سے ہم 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا خرید سکتے ہیں کہ نہیں۔ ہو سکتا ہے سونا خرید سکتے ہو چاندی نہ خرید سکتے ہو، یا چاندی خرید سکتے ہو سونا نہ خرید سکتے ہو، تو جو کم ہوگا اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہ ہے اصل علماء کا قول قدیم زمانے سے، لیکن آج موجودہ چند سالوں سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ چاندی کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی، نہ اس کی کوئی قیمت ہے لوگوں کے پاس یا دنیا کی مارکیٹ میں رہ گئی ہے آج۔ بلکہ کوئی عورت چاندی کا زیور پہنے تو لو عورتیں اس کا مذاق اڑائیں گی کہ یہ کیا پہن کر کے آئی ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ اسی لیے دیکھیے، چونکہ یہ زمانہ دکھاوے کا ہے اور دھوکے کا ہے، اب چاندی کا زیور بنتا ہے اور اس پر سونے کا پانی چڑھایا جاتا ہے تاکہ معلوم ہو کیا یہ سونا پہنے ہوئے ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ اب چاندی کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی ہے۔ لیکن یہ بات میں واضح کر دوں کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں یا ان علماء کا جن سے میں متفق ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، میں ان سے متفق ہوں، ورنہ آج بھی زیادہ تر علماء اسی طرف گئے ہیں کہ کرنسی کے نصاب کے لیے چاندی کا حساب لگایا جائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں ان کے لحاظ سے اگر کسی کے پاس 1820 یا 1840 ریال ہیں تو اس کے اوپر زکات ہے، یا ہندوستان کے لحاظ سے 33,000, 34,000, 35,000 روپے کسی کے پاس موجود ہے تو اس پر زکات ہے، یہ ان علماء کا کہنا ہے۔ اس لیے کہ اگر حساب لگائیں آپ 1800 ریال کو اگر آپ اس میں روپے میں انڈین روپے میں آپ اگر چینج کریں تو یہی اس کی مقدار 34-35,000 تقریباً یہی بنے گی یا کچھ کم زیادہ بنے گی، اور چاندی کا بھی ریٹ لگائیں تو یہی اس کی بنے گی۔ بلکہ آج ایک صاحب نے ٹیلی فون کر کے مجھ سے کہا بھی کہ اگر چاندی کا حساب لگاتے ہیں تو 34 یا 35,000 روپے کے قریب بنتا ہے۔ تو گویا اگر کسی کے پاس تجوری میں، اس کے پرس میں، اس کے گھر میں، اس کے بینک میں اتنے پیسے سال بھر سے جمع ہو گئے ہیں، 1820 ریال 1840 ریال یا 30,000 سے اوپر کہیے 34,000-35,000 روپے، اور اس کو اس نے استعمال نہیں کیا ہے تو اس کے اوپر زکات ہے۔ دوسرے علماء کا قول ہے جس پر میرا دل زیادہ مطمئن ہے، میں کہہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ چاندی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، سونے کا اعتبار کیا جائے گا، اس لیے کہ زکات صاحب حیثیت پر فرض ہے۔ زکات جو فرض ہے صاحب حیثیت پر فرض ہے۔ آج اگر کوئی آدمی، آج تو ایک، اب تو یہ تک ہوتا رہا ہے کہ ہمارے ہاں مدرسے کے مدرسین بھی 30-40 ہزار روپے لیتے رہے ہیں،
एक मस्जिद का जो इमाम जो बेचारा सबसे गरीब माना जाता था वो भी 30,000, 25,000, 40,000, 50,000 वो लिया करता था। तो ये कोई साहिब हैसियत का मामला नहीं है। साहिब हैसियत का जकात है जो साहिब हैसियत हो। इसीलिए उस जमाने में आप देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 ऊंटों पर जकात फर्ज की है, 5 ऊंटों पर, जबकि आज एक ऊंट जो है वो 50,000 से ऊपर का जाएगा, आम ऊंट जो है, वरना कीमती ऊंट तो मिलियन के बिकते हैं, उनकी क्या बात है, उनकी क्या बात है। इसी तरीके से 40 बकरियों पर आपने रखा है, अगर एक बकरी जाहिर बात 1,000 में जो अच्छी होती है नहीं मिलने वाली है, मान लीजिए 1,000 रियाल ले लिया ना, 40,000 रियाल हो जाएगा, या कह लीजिए 500 रियाल लगाइए आप उनकी कीमत जो कम से कम कीमत है, तो कितना होगा, 20,000 रियाल होगा। और अगर सोने का हिसाब लगाइए तो सोना भी जा करके 12-13 हजार से ऊपर जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जिस माल में ज़कात अल्लाह ताला ने फर्द की है वो ऐसा माल है जो साहिब हैसियत के पास हो, जिसकी अपनी कुछ माशरे में या माहौल में अहमियत हो, और चांदी पर हिसाब लगाते हैं तो उसकी कोई अहमियत नहीं रहती है। अला कुल्ले हाल फिर भी मैं कह रहा हूं जमहूर उलमा का कौल यही है कि हिसाब किसका लगाया जाएगा, चांदी का, और गरीबों और मिस्कीनों का फायदा भी इसी में है। तो अगर कोई आदमी इसके ऊपर अमल करता है तो वो अच्छी चीज है, कोई बेहतर चीज, बेहतर बात है। एक और मसला रह जाता है ज़कात से मुताल्लिक, जो बहुत ज्यादा सवालात में आता है, वो कर्ज की ज़कात है। देखिए कर्ज दो है, कर्ज आपका है या कर्ज आप पर है, ये दोनों है, कर्ज आपका है या कर्ज आप पर है। अगर कर्ज आपका है तो उसकी दो सूरत होती है कि आपने जिसको कर्ज दिया है, और इससे आदमी बड़ी आसानी से अपना फैसला कर सकता है, जिसको आपने कर्ज दिया है वो आदमी ऐसा है कि आपका कर्ज वापस करेगा, और वापस ये भी नहीं कि वापस तो करेगा लेकिन बेचारा अभी खुद ही जो है खसारे घाटे में, तो पता नहीं कई साल के बाद वापस करेगा, नहीं, वापस करने का माना यह है कि आप और उसके दरमियान में जो मामला तय हो गया है, आप और उसके दरमियान में जो चीज तय है, या आप जब चाहेंगे तो आप उसको जरूरत पर हासिल कर सकते हैं, महीना दो महीना के फर्क से। तो ऐसे माल के ऊपर ज़कात है, हर साल आपको ज़कात देनी होगी, या आप अगर ना चाहें हर साल देना। और अगर कर्ज आपके ऊपर है, कर्ज बहुत से लोग कहते हैं मेरे ऊपर तो खुद ही कर्ज है मैं ज़कात कैसे दूं, तो ये कर्ज की दो सूरत होती है। एक कर्ज तो ये है कि उसके देने का वक्त आ चुका है, उसके देने का वक्त है, आ चुका है, तो यकीनन आप अपने माल से उतना कर्ज निकाल दीजिए। एक दिन बाद ही क्यों नहीं आ रहा है, एक हफ्ता बाद ही क्यों नहीं आ रहा है, उसका वक्त आ चुका है या 2-4 दिन पहले आ गया है, तो इसका मतलब है कि अब आप उसको अपने हिसाब से निकाल कर अपना कर्ज अदा कर दीजिए। लेकिन उस कर्ज का वक्त नहीं आया है, साल के बाद, 2 साल के बाद, आपके पास पैसा है, आप इससे फायदा उठा रहे हैं नहीं उठा रहे हैं, जब फायदा उठा रहे हैं चाहे जिस हैसियत से है, तिजारत की हैसियत से है, इस्तेमाल किसी भी हैसियत से है, आप इससे फायदा उठा रहे हैं, तो कर्ज ज़कात से मना नहीं करता है, आप उसकी ज़कात दीजिए। यह नहीं हो सकता कि आप कर्ज भी ना अदा करें और ज़कात भी ना दें। अला कुल्ले हाल साथियों बातें तो बहुत हैं, अब मैं चंद बातें इस सिलसिले में किए, ज़कात किनको देनी चाहिए ये मसला रख करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। देखिए अहले ज़कात जो हैं वो 8 किस्म के हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने अहले इल्म पर से, बल्कि अपने नबी से बोझ को हल्का करने के लिए खुद कुरान मजीद में यह जिम्मेदारी ले ली है कि वो बयान कर दिया। चुनांचे ज़ियाद इब्ने हारिस सुदाई एक सहाबी हैं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में हाजिर हुए और कुछ चाहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि देखो अल्लाह तबारक व तआला ने लम यर्ज़ बिहुक्म नबीय्यिन वला गैरिही फिस सदका, ज़कात की तकसीम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला
किसी नबी या किसी और के फैसले पर का इंतजार नहीं किया अल्लाह ताला ने, ये राजी नहीं है, अल्लाह ने खुद ही उसका फैसला किया है। फजज़ाहा थमानियत अज्ज़ा, और अल्लाह ताला ने उसे 8 हिस्सों में बांट दिया है, अगर तुम उनमें से किसी के अंदर दाखिल हो तो हम तुमको देते हैं। वो 8 हिस्से कौन है जो सूरह तौबा में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया है, इन्नम सदकातु लिल फुकराई वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफति कुलूबहुम व फिर रिकाब वल गारिमीन व फी सबीलिल्लाह व इब्न सबील फरीदतन मिन अल्लाह, अल्लाह तआला की तरफ से फरीदा है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह तबारक व तआला जानने वाला है और हिकमत वाला है, वो जानता है कि किसको ज़कात देनी चाहिए और उसमें बहुत बड़ी हिकमत क्या है, वो भी अल्लाह तबारक व ताला जानता है। तो ये 8 किस्म के लोग हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व ताला ने ज़कात के मद में रखा है, फ़ुकरा हैं, मसाकीन हैं, अल आमिलीन अलैहा यानी जो लोग कारिंदे हैं ज़कात जमा करने और उसके तकसीम करने के लिए, वल मुअल्लफत कुलूबहुम, और वो लोग जिनका जिनके जिनका दिल लुभाने की ज़रूरत है, मुअल्लफा यानी उनके दिल को करीब करने की ज़रूरत है, लुभाने की ज़रूरत है, वल गारे में व फिर रिकाब, और गर्दन छुड़ाने में, इससे मुराद जो है वो ग़ुलाम को आज़ाद करना है, अभी उसकी थोड़ी तफसील रखते हैं, वल गारे मीना, और कर्ज़दार हैं यानी वो लोग अगरचे मालदार हैं लेकिन उनके ऊपर कर्ज है, वफ़ी सबीलिल्लाह और अल्लाह ताला के रास्ते में, वबनी सबील और मुसाफिर, ये 8 किस्म के लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने ज़कात का हकदार करार दिया है। उनमें से पहले दो ज़्यादा मशहूर हैं, कौन, अल-फ़ुक़रा वल-मसाकीन, फ़कीर और मिस्कीन। फ़कीर और मिस्कीन की तारीफ में शदीद इख्तिलाफ़ है, लेकिन ज़्यादा वाज़ह यही मालूम होता है कि फ़कीर वो है कि जो कुछ भी नहीं पाता, या जो कुछ पाता है उसकी बिल्कुल मामूली हैसियत है, कोई उसके अल्लाह यानी उसकी ऐसी तनख्वाह है कि एक हफ्ता भी उसका खर्च नहीं चलता या 2-4 दिन चलता है तो उसका कोई एतबार नहीं है। वल मिस्कीन क्या है, वो जो अपनी ज़रूरत भर नहीं पाता है, जैसा कि इस हदीस से उलमा ने इस्तदलाल किया है कि लैसल मिस्कीन मन यरुद्दु अत्तमरतु वत्तमरतान, है कि नहीं है, बल्कि मिस्कीन वो है कि जो अपनी ज़रूरत भर पाता भी नहीं, यानी गोया पाता की ज़रूरत नहीं पाता और लोग उससे समझ भी नहीं पाते कि उसके ऊपर सदका करें। तो मिस्कीन और फ़कीर के अंदर मुतअद्दिद एतबार से फ़र्क किया गया है, लेकिन असल यही है कि दोनों इसमें दाखिल हैं कि वो अपना खर्च पूरा नहीं कर पा रहे हैं, चाहे मुकम्मल तौर पर ना पूरा कर पाएँ या कि कुछ तो पूरा कर पाते हैं और कुछ पूरा ना कर पाएँ। तो ये हैं, अब इनको दिया कितना जाएगा ये भी है। उलमा कहते हैं युतौना बिकद्री हाजतिहिम, युतौना कद्र हाजतिहिम, उन्हें उनकी हाजत के मुताबिक दिया जाएगा, साल भर जितने में, साल भर में जितना उनका खर्चा हो जाए पूरा हो सकता है, ये नहीं कि उनको जिंदगी भर के लिए दे दिया जैसे कि बहुत से लोग होते हैं, नहीं, यानी फकीर और मिस्कीन उनको उसी हिसाब से दिया जाएगा जो उनकी अपनी ज़रूरत होगी साल भर के लिए, इसलिए कि साल भर के बाद फिर जो है उसका निज़ाम आ रहा है। दूसरे यह है कि वल आमिलून अलैहा, ये वो लोग हैं जो ज़कात पर अमल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, यानी ज़कात का जमा करना है, उसकी हिफाजत करना है, उसको तकसीम करना है, इससे मुराद ये भी बात वादे रखें, हुकूमत के मुतय्यन करदा या मुसलमानों की अगर कोई कम्युनिटी है, कोई जमात है, उसके मुतय्यन करदा लोग हैं, ना ये कि आदमी अपने तौर पर, अपने तौर पर कहे कि हाँ मैं ज़कात उसूल करूँगा और गरीबों को दूंगा, मैं भी खुद भी खाऊंगा, इसलिए कि और मैं वल आमिलून अलैया में आ गए। जिस तरीके से बहुत से लोग अपने तौर पर कोई एक मदरसा कायम कर लिया और खुद ही उसके नादिम हैं, खुद ही वो हैं और सारा कुछ अपना रहता है और फिर उसमें से अपने हिसाब से ज़कात वसूल करते हैं और ज़कात लेते और अल्लाह अपने ऊपर भी और मदरसे पर भी खर्च करते हैं, ये उसमें नहीं है। ज़रूरी यह है कि ये आमिलून अलैहा,
हुकूमत की तरफ से मुतय्यन हो या मुसलमानों की कोई जमात है, कोई कमेटी है, या कोई ऐसा फेरन बड़ा मदरसा है जिसके जिसकी अपनी कमेटी है। ये नहीं कि एक ही आदमी उसका सब कुछ करने धरने वाला है, उसकी अपनी कमेटी है, तो वो आमलीना अलैहा में आएंगे। अब अगरचे वो लोग मालदार हैं, अगरचे वो साहिब हैसियत हैं, लेकिन वो ज़कात ले सकते हैं, लेकिन कितना दिया जाएगा ये भी जरा सोचने की बात है। 50% नहीं, 40 और 60% नहीं। उलमा कहते हैं बेकदरी अमलिहिम, और इस पर इमाम इब्ने रुश्द वगैरह ने इजमा नकल किया है। फर्क है फकीर और मिस्कीन, बेकदरे हाजा दिया जाएगा, बेकदरे हाजा दिया जाएगा, और ये लोग बेकदरे अमल दिए जाएंगे। यानी ये देखा जाएगा कि एक इस मैदान में काम करने वाले एक आदमी की तनख्वाह क्या हो सकती है, एक आदमी की मजदूरी क्या हो सकती है, उसके हिसाब से उसको दिया जाएगा। किसी आप जो है मदरसे वाले हैं, कोई कमेटी वाले हैं, वो किसी को भेज रहे हैं या किसी को निगरा बना रहे हैं, तो वो देखें कि इस हैसियत का एक आदमी मदरसे में पढ़ाता है या ये करता है, तो वो कितना उसकी मजदूरी होती है उसके हिसाब से उसको दिया जाएगा। मेरी बात अगर हमारे किसी भाई को बुरी लग रही हो तो माफ करेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि इसको वादे होना चाहिए। उलमा कहते हैं बेकदरी अमलिहिम युतौना कदर अमलिहिम, अपने अमल के लिहाज से उनको दिया जाएगा, ना ये कि अपनी सोच की अपनी फिक्र के लिहाज से उनको दिया जाएगा। तीसरे चौथे हैं जिनके जकात लेनी जायज है, अलमुअल्लफति कुलूबहुम, यानी उनके दिल को करीब करना है, उनको अपनी तरफ मायल करना है। ये काफिर भी हो सकते हैं और मुसलमान भी हो सकते हैं। ये अगरचे अपने तौर पर जकात के मुस्तहिक तो नहीं है, लेकिन उन्हें जकात का माल इसलिए दिया जा रहा है कि उससे मुसलमानों का फायदा है। वो चंद चीजें हमने आप नकल की हैं, वो देते आप सामने रखते हैं। पहली चीज, वो हैं तो मुसलमान, लेकिन उनका ईमान इतना कमजोर है कि अगर उन्हें ना दिया जाए तो मुर्तद हो जाएंगे। और ये चीज साथियों बहुत गौर करने की है, बहुत गौर करने की है। मुर्तद होने में ये भी दाखिल है कि गैर मुस्लिमों के जो वो लंगर खाने हुआ करते हैं, उनके माबद वगैरह और वहां जा करके, बल्कि वहां जा करके वो सब भी काम करना पड़ता है उनको जो इस्लाम के से फिर जाने का हम माना रहा करता है। तो ऐसे लोग जो ज़कात के मुस्तहिक तो नहीं हैं, लेकिन उनका ईमान इतना कमजोर है अगर उन्हें ना दिया जाए तो उनको इर्तिदाद का खौफ है, मुर्तद ना हो जाए। दूसरे वो हैं तो मुसलमान लेकिन नव मुस्लिम है, कमजोर ईमान है, अगर उनको ना दिया गया तो वो अगरचे अभी इस्लाम कबूल किए हैं और वो क्या हैं फिर इस्लाम से फिर जाएंगे। इसी तरीके से उसमें वो लोग भी हैं कि हैं तो मुसलमान लेकिन कमजोर ईमानी की वजह से अगर उनको ना दिया जाए तो काफिरों के साथ साज बाज करके किसी मुसलमान हुकूमत के लिए बाइथे गरर साबित हो सकते हैं। और ये एक फर्द भी हो सकता है और अफराद भी हो सकते हैं, बल्कि कोई हुकूमत भी हो सकती है, कोई हुकूमत भी हो सकती है जिसे ये दिया जाए। इसी तरीके से वो लोग भी हैं जो हैं तो काफिर, लेकिन उनके अंदाज से ये पता चल रहा है कि अगर उनकी कुछ मदद की जाए और करीब की जाए तो वो क्या हो जाएंगे, मुसलमान हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों को भी ज़कात के माल से दिया जा सकता है। इसी तरीके से वो काफिर अगर उसे कुछ दिया जाए, चाहे फर्दी तौर पर है या हुकूमत के तौर पर है, तो वो क्या होगा कि उसके करीब में, उसके पास पड़ोस में जो मुसलमान रह रहे हैं उनके साथ वो नरमी का बर्ताव करेगा और उन्हें इस्लामी उमूर पर अमल करने की आज़ादी देगा। ये जो हमने उलमा के अकवाल से समझा है, ये 4 या 5 सूरतें हैं जो तालीफ़ कल्ब के अंदर दाखिल हैं। और इसी तरीके से ज़कात का मुस्तहिक इसे अल्लाह ताला ने रखा है, वह फिर रिकाब, गर्दन का आज़ाद करना है। इससे ज़्यादातर उसका मुस्तहिक ये है कि कदीम ज़माने में जो लोग मुकातबा कर लेते थे, बदले मुकातबत कर लेते थे वो, लेकिन वैसे भी
आदाद, और इसी में उलमा ने मौजूदा दौर में मुसलमान कैदियों को जो काफिरों के यहाँ हैं उन्हें छुड़ाने में भी रखा है। इसी तरीके से आप अगर समझते हैं कि कोई शख्स है हकीकत में वो मजलूम है और उसे किसी केस में फंसा दिया गया है, किसी केस में फंसा दिया गया है, या तो इतना पैसा दे या तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा या उम्र भर जेल में रहेगा, तो उसको भी दिया जा सकता है वह फिर रिकाब गर्दन को आजाद करने में। वल गारेमीना, और गारेमीन यानी कर्जदार, ये दो किस्म के लोग हुआ करते थे और दोनों को लेने का हक है। गारेमीन एक तो वो है जो अपने लिए कर्ज लिया है, और एक वो है जो लोगों के लिए कर्ज लिया है। यानी वो कैसे, मिसाल के तौर पर दो मुसलमान भाई हैं, दो मुसलमान हैं, उनका आपस में इख्तिलाफ है किसी जगह के बारे में, किसी जमीन के बारे में, और ये देखें तो पुराने जो शहर हुआ करते थे वहां और देहातों में बड़ा इख्तिलाफ रहता है कि ये रास्ता है मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, यहां पर मैं अपनी दीवार बना रहा हूं, मैं जाने ये यहां से रास्ता वह नहीं देता, बंद कर देते हैं रास्ता। शहरों में भी देखें ऐसा होता है, देहातों में होता है, जिससे मुसलमानों को बड़ी तकलीफ, बसा औकात बहुत बड़ा इख्तिलाफ पैदा हो जाता। तो अब अगर कोई आदमी दरमियान में उठता है कि भाई ठीक है आपको कितने पैसे चाहिए, मैं ये पैसे दे रहा हूं, मैं ये पैसे अदा कर दे रहा हूं, आप इस रास्ते को खुला हुआ छोड़ दिए मुसलमानों की, इसमें आसानी हो ताकि आपस में इख्तिलाफ खत्म हो जाए, या कोई आदमी किसी के पीछे पड़ा हुआ है कि हाँ आप इसको परेशान करके कत्ल करके मार ही करके छोड़ेगा, क्यों, इसलिए कि इसने उसके साथ कोई बहुत बड़ी उसकी ना हक तलफी की है। तो ऐसी सूरत में कोई आदमी आए और उसको समझाए कि ठीक है उससे आप कितना चाहते, इतना चाहते हैं, मैं आपको इतना दे दे रहा हूं, लेकिन इस मामले को छोड़ दें। तो यह शख्स अपने लिए कर्ज नहीं लिया, किसके लिए लिया, लोगों के लिए लिया। बसा औकात कबीलों का मामला होता था, आज भी दो जमातों का, दो गांव वालों का मसला भी हो सकता है। तो अगर ऐसा शख्स ले लेता, अपने तौर पर मालदार है लेकिन जाहिर बात है भी बड़ी रकम है उसे अदा करने का मसला है, तो उसकी मदद जकात से की जा सकती है। अवल गारिमीन, और ज्यादा जकात का हकदार गारिमीन में ज्यादा यही दाखिल है, और दूसरा वो है जो अपने लिए कर्ज ले रहा है, अपने लिए कर्ज लिया, इलाज के लिए लिया, किसी और वजह से लिया, अब उसकी अपने तौर पर आमदनी तो है, खा पी रहा है, लेकिन कर्ज नहीं अदा हो पा रहा है, कर्ज बहुत बड़ा है, तो ऐसे शख्स का कर्ज अदा करने के लिए भी जकात दी जा सकती है। वफी सबीलिल्लाह सातवीं चीज है अल्लाह ताला के रास्ते में। फी सबीलिल्लाह का दो माना है, एक आम माना है और एक खास माना है। आम माना यह है कि हर अमल खैर फी सबीलिल्लाह में, मसलुल लजीन युनफिकून अमवालहुम फी सबीलिल्लाह, यह क्या है, वो आम माना है, हर चीज फी सबीलिल्लाह से हमारे यहां बोलते हैं फी सबीलिल्लाह। और दूसरा माना फी सबीलिल्लाह का खास है, और जब मुतलकन बोला जाता है तो उमूमन इससे यही माना खास यानी जिहाद फी सबीलिल्लाह मुराद होता है। इसीलिए ज्यादातर उलमा इसी तरफ गए हुए हैं कि यहां फी सबीलिल्लाह से मुराद क्या है, जिहाद और उसके मुतअल्लिका चीजें हैं। गाजी है अगर अगरचे अपने तौर पर मालदार है लेकिन उसकी मदद की जाए, उससे उसकी मदद उससे की जाए, इसलिए इसको आम माना में रखना कि हर, इसलिए कि अगर हर अमले खैर फी सबीलिल्लाह में हो जाए तो आठ चीजें जो अल्लाह के अल्लाह ने गिनाई उसका कोई फायदा भी नहीं होगा, वो उसी में आ जाएंगी फी सबीलिल्लाह। किसी गर्दन छोड़ना फी सबीलिल्लाह है, किसी का कर्ज देना फी सबीलिल्लाह है, फकीर की मदद करना फी सबीलिल्लाह है, सारा माना फी सबीलिल्लाह में आ जाएगा। इसका माना यह है कि यहां पर सबीलिल्लाह किसके माना में, खास माना में है। अलबत्ता हाँ, बाद दीगर दलायल की बुनियाद पर कहा जा सकता है कि बाद और चीजें इस मसरफ में आ सकती हैं फी सबीलिल्लाह में, जैसे इमाम अहमद हंबल रहमहुल्लाह का मसलक है कि हज भी कराया जा सकता है, और उनकी दलील में सुनन वगैरह में भी सही बुखारी में वो हदीस है हज़रत उम्मे माकिल की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए जाने लगे तो उन्होंने अबू माकिल से कहा कि ए अबू माकिल मेरे ऊपर भी हज फर्द है, आप जो अपना वो ऊँट रखे हैं ले मुझे दे दीजिए, मैं भी उस पर सवार होकर के अल्लाह के रसूल जा रहा हज के लिए मैं भी हज करने चली जाऊँ। तो उन्होंने कहा इसे तो हमने अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर दिया है, अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए वक्फ कर दिया है, इसलिए मैं खुद भी उसके ऊपर सवार होकर नहीं जा सकता।
कहा कि अच्छा ठीक है, आपने जो खजूर फलाया है अच्छा आया है, खजूर ही बेच करके मुझे हज करवा दीजिए। तो कहा अल्लाह के बंदी, अगर हज करवा दूंगा तो साल भर हम दोनों खाएंगे क्या, हम बच्चे खाएंगे क्या? कहा कि नहीं, मुझे हज जरूर करवाइए। और दोनों ले आ गए अल्लाह के रसूल से खिदमत। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब अबू माकिल ने यह कहा कि ये ऊँट फी सबीलिल्लाह में है, तो आपने फरमाया वल हज फी सबीलिल्लाह, हज भी फी सबीलिल्लाह में दाखिल है। तो इसका मतलब यह है कि वक्त ज़रूरत इसके अंदर वसात है। इसीलिए उमूमन उलमा इस तरफ गए हैं कि अगर कोई आलिम है वो अपने आप को ज़रूरत भी है, ज़रूरत भी है, अपने आप को किसी महल्ले के बच्चों के पढ़ाने के लिए वक्फ कर दे रहा है, उसे नौकरी करने का मौका नहीं मिलता, दुकान खोलने का मौका नहीं मिलता, इसलिए कि बच्चों को पढ़ाना है और उसके पास कोई दूसरा जरिया नहीं है, तो ज़कात से उसकी तनख्वाह दी जा सकती है, ज़कात से उसकी तनख्वाह दी जा सकती है। तो और इसी तरीके से उमूमन मदारिस के अंदर जो बच्चे हुआ करते हैं, उमूमन मदारिस में जो बच्चे हैं, चूंकि उसमें आपको ज्यादा फीसद ऐसे ही बच्चे आते हैं जो खुद कफील नहीं होते, अगर उनको पैसा दे के पढ़ाना चाहे तो पढ़ा भी नहीं सकते, और बहुत से वालिदैन ऐसे होंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, तो अगर ऐसे बच्चों के ऊपर भी ज़कात का माल खर्च किया जाए तो कोई हर्जा नहीं है। लेकिन उलमा ये कहते हैं कि ज़कात के माल से तामीरी काम ना किया जाए, मस्जिद का या मदारिस का तामीरी काम में नहीं, बल्कि ये जो खर्च है और उनके बच्चों का जो खर्च है उसके ऊपर खर्च किया जा सकता है। अला कुल्ली हाल, इस सिलसिले में हमारे यहाँ उलमा काफ़ी गुफ्तगू करते रहते हैं। आठवीं चीज़ है इब्नुस्सबील, आठवीं चीज इब्नुस्सबील है, यानी वो मुसाफिर। मुसाफिर क्या होता है, यानी जानते हैं मुसाफिर, वो शख्स जो सही सफर में गया और उसका सामान खत्म हो गया है, अब वो वापस नहीं आ पा रहा है। आजकल की तरीके से जानते हैं कि ये ATM वगैरह का निज़ाम इतना तेज नहीं था, और अगर हो भी तो हो सकता है कि वहां से कोई भेजने वाला उसको ना मिले, जैसे कि आजकल होता है नेट का प्रॉब्लम हो गया, ये हो गया, और उसका सफर करना उसका जरूरी है, वरना जो है उसके बहुत से नुकसान हो सकता है। तो ऐसे शख्स को ज़कात दी जा सकती है, लेकिन ये बात ध्यान में रहे, ये वो शख्स है जो सफर पर गया है, ये नहीं कि सफर करना चाहे था उसका माल खर्चा हो गया तब उसको ज़कात दे, नहीं नहीं, ना सफर करे, कर्ज लेकर के सफर करे। तो कहने का मतलब है कि मुसाफिर से वो मुराद है। यहाँ पर चंद बातें जल्दी में, दो एक हैं, वक्त ज़्यादा हो गया लेकिन मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक बात है कि कुछ लोग मोहताज हैं, उन्हें ज़कात नहीं दी जाएगी, कुछ लोग मोहताज हैं लेकिन उन्हें ज़कात नहीं दी जाएगी। पहले कौन से हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान बनू हाशिम और बनू अल-मुत्तलिब हैं, जैसे कि आप सल्लम की बड़ी वादे हदीस है कि आप फरमाया अला तालम ला तहिल लना सदका, आप तुमको मालूम नहीं कि हमारे सदका हराम नहीं है। दूसरी चीज़, ताकतवर और तंदुरुस्त शख्स, इसको भी ज़कात नहीं दी जाएगी जी, उनके लिए सदका हलाल नहीं है, ज़कात उनके लिए सदका और ज़कात हलाल नहीं है। तंदुरुस्त और ताकतवर शख्स भी, इसके लिए इसको ज़कात नहीं दी जाएगी। लेकिन इसको समझने की कोशिश करें, बिल्कुल वादे हदीस है सुनन अबू दाऊद में कि हज़रत एक उबैदुल्ला अल असदी कोई ताबई है, वो बयान करते हैं कि मुझसे दो सहाबी ने बयान किया कि हज्जतुल वदा के मौके पर वो अल्लाह के रसूल के पास तशरीफ ले गए, आप सल्लम उस वक्त कुछ माल तकसीम कर रहे थे, तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लम मुझे भी दीजिए, हम लोग भी दे दीजिए। तो आप सल्लम ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और कहा कि देखो अगर तुम चाहो तो हम दे देंगे, लेकिन तुम लोग माशाल्लाह ऐसे तंदुरुस्त हट्टे कट्टे हो, तो इस माल में ला हज़ फीह लिगनीयिन वला लिकवीयिन मुक्तसिब, किसी मालदार का इसमें हक नहीं है और उस कवि का ताकतवर का जो कमाने वाला है। लेकिन ऐसा शख्स है वो पूरी कोशिश करता है कमाई की, लेकिन उसके लिए हालात ऐसे साजगार नहीं होते कितना कमा सके। तो फर्क किया जाएगा कि एक आदमी की अगर औलाद अलग रहती है,
जबकि ये भी एक महल नजर मसला है, इसलिए कि अल्लाह ने इजाजत दे दी है तो अब उनको जकात गोया आपके पास जकात नहीं दी जाएगी उनको। तो अला कुल्ले हाल बाद उल्मा कहते हैं, जिसमें शेख उसैमीन वगैरह भी है, कि अगर बच्चा अलग रहता है और उसकी इतनी कमाई नहीं है कि अपने खर्चे को पूरा कर सके तो बाप अलग है तो उसको ज़कात देता, ऐसे ही ये भी अलबाद उल्मा कहते हैं इख्तलाफ है कि बीवी अपने शौहर को अपने माल की ज़कात दे सकती है, जबकि इस सिलसिले में एहतियात को मद्देनजर रखना चाहिए। एक और लतीफ़ा हदीस से ले लें कि ये पाँच किस्म के मालदार हैं जिनके लिए ज़कात का खाना जायज़ है, और ये हदीस में एक आया हुआ है, पांच किस्म के मालदार ऐसे हैं जिनको जकात जकात का माल जो खा सकते हैं। वो कौन से हैं? सूरह अबू दाऊद की एक हदीस है, हज़रत अबू सईद खुदरी की या किसकी है, जिसमें आप बयान फरमाया कि पांच किस्म के लोग हैं जो खा सकते हैं। पहला यह है कि गाजी फी सबीलिल्लाह है, वो जैसा कि नस कुरान से पता चलता है। दूसरा क्या है? बोले आमिलीन अलैहा, अगरचे वो है लेकिन। तीसरा कौन है? अलगारिम है, अपने तौर मालदार है लेकिन उसकी वजह से। चौथा कौन है? जो शख्स किसी से जकात का माल खरीद ले रहा है, किसी को जकात में एक बकरी मिली थी, किसी को जकात में कोई चावल मिल गया था, अब एक शख्स गया और उसको खरीद करके ले आया, तो है तो माल जकात ही का ना, लेकिन उसके लिए खाना जायज है। इसी तरीके से आपने बयान फरमाया एक शख्स है कि उसका कोई पड़ोसी है और पड़ोसी गरीब और फकीर है, उसको जकात का माल आता है उसके पास और वो वही माल ले करके अपने दोस्त को हदिया दे देता है, या यही दोस्त ने जो उसके ऊपर जकात खर्च की थी, उसने समझा कहा कि ठीक है अल्लाह जाए खैर ने कबूल किया, लेकिन ये मेरे किस काम का है, लिए मेरी तरफ से हदिया आया, वो उसको ले लिए, इस्तेमाल जायज है। लेकिन दरमियान में कोई शुरू से साठ गांठ नहीं होनी चाहिए कि हाँ मैं तुमको दूंगा तुमको वापस कर देना, लेकिन ऐसा हो जाए तो हो सकता है। जैसा कि वो हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार घर में दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि हांडी में कुछ पक रहा है। आपने माई आशा से पूछा कि यह क्या है? कहा कि गोश्त पक रहा है। तो कहा मुझे नहीं खिलाओगी? कहा कि यह तो बरीरा कहा है, उनके ऊपर सदका किया गया है। तो आपने फरमाया उसके लिए सदका है, वलाना हदिया, हमारे लिए हदिया है। तो गोया जकात का माल अगर कोई गरीब किसी मालदार को बतौर हदिया के देता है, खिलाता है, तो ये उसके लिए खिलाना आना जायज़ है। ये चंद मसाइल थे जकात से मुतालिक, बाकी और वक्त नहीं है कि मैं और कुछ आपके सामने रखूँ। इंशाल्लाह अगली मजलिस आपके सामने जो रखी जाएगी वो सदक़े फितर से मुतालिक ख़ास रहेगी, सदक़े फितर के मसाइल उसमें आपके सामने रखे जाएंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो बता दिया ना उसको, वो तो आ गया, वक्त ज़्यादा हो गया है।